श्रद्धा वॉल्कर एक हस्ती खेलती बोल्ड लड़की जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जीना चाहती थी। प्यार नफरत मर्डर के जाल में ऐसी उलझ गई कि 35 टुकड़ों में बट गई। आज हर टुकड़ा इंसाफ की गुहार लगा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड का राज तमाम सवालों में दबा हुआ है, वो तमाम सवाल जो 15 दिन से पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है लेकिन 2 और 2 4 नहीं कर पा रही है। आफताब के जवाब में उलझे पुलिस फिल्म दृश्यम की तरह अंधेरी गलियों में सबूतों की खातिर खाक छान रही है। ये है श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब। इसकी चाल, इसका चेहरा देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कहीं से भी लग रहा है कि वो नर्वस है, वो बुरी तरह से हैरान और परेशान है। आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि पुलिस के सामने आने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। बड़ा से बड़ा शातिर भी पुलिस की हिरासत में आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। मगर दिल्ली पुलिस आफताब को देखकर हैरान है क्योंकि वो रिलैक्स्ड लग रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। उसकी चाल, उसकी ढाल और उसका अंदाज देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है उसको लेकर वो कतई परेशान नहीं दिख रहा। बल्कि पुलिस की लैब और हवालात में जाते जाते उसकी चाल से यही अंदाजा मिल रहा है कि जैसे वो यहाँ विजिट पर आया हो और सारी चीजों को देखकर उसे किसी भी तरह का कोई अचरज नहीं हो रहा। आपने सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। मई के महीने में उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसे सबूत मिटाने के लिए करीब 6 महीने का वक्त मिला। ऐसे में शुरुआत में तो उसे गिल्ट हुई लेकिन बाद में वो इस बात से निश्चिंत हो गया कि पुलिस अब उसका कुछ बिगाड़ सकती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसे आने वाले वक्त में पुलिस तो पकड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो सब जान चुका था। इसी बात से ध्यान में रखते हुए उसने तमाम साजिशें रची, तरकीबें रची। उसके हाव भाव ये बयां कर रहे हैं कि उसे किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है और ना ही इस मामले में कोई पछतावा। यानी गुरुवार को पॉलीग्राफी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। एक्सपर्ट ने आफताब के केस से जुड़े अहम सवाल पूछे। श्रद्धा को क्यों मारा? किस हथियार से श्रद्धा को मारा? बॉडी को तुमने मैनुअली काटा या किसी और तरीके से? श्रद्धा के टुकड़े करते वक्त बिल्कुल भी तरस नहीं आया? श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहां कहां फेंका? श्रद्धा को मारने के बाद तुमने क्या क्या किया? कत्ल वाला हथियार कहां है? श्रद्धा को दिल्ली में मारने की प्लानिंग के तहत लाए? श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है? पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। लेकिन इसके बाद जो सवाल आफताब से पूछे गए उसने पुलिस की हैरानी को बेहिसाब बढ़ा दिया। आफताब ने हिंदी में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। उसने ज्यादातर सवालों के 1 या 2 लाइन में जवाब दिए। कई सवालों पर तो वो बस मुस्कुराता रहा। आफताब से पूछा गया, क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी? तो उसका जवाब था, अब तो दृश्यम 2 आ गई। कई सवालों के जवाब में उसने बस इतना ही कहा कि उसे याद नहीं। ये सारी चीजें एक बात तो पूरी तरह से साफ कर देती हैं कि आफताब बेहद शातिर बदमाशों जैसा रवैया दिखा रहा है। शायद उसके लिए ये सारी चीजें किसी भी सूरत में नई नहीं है क्योंकि वो मानसिक तौर पर इन तमाम चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ऐसे में एक सवाल, तो क्या अब भी आफताब पुलिस के साथ खेल रहा है? वरुण सिन्हा और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।